दिल्ली में बारिश के बाद जो जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है उससे हम तमाम लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, दफ्तर पहुंचने में देरी हो रही है और ये जलभराव की जो स्थिति है वो लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खड़े हो रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पर उठ रहे हैं, सरकार के कामकाज को लेकर उठ रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है वो आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मॉनसून के सीजन में तमाम ढांचे और सार्वजनिक सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। इसके चलते कई जगहों पर दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हुए और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दिल्ली में कई साल से चली आ रही लापरवाही के चलते नालों की सफाई नहीं हुई और योजनाबद्ध तरीके से बसाई गई कॉलोनियों में भी सीवर जाम होने और जलभराव की समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी है कि विभागों के उच्च अधिकारी भी मौके का लगातार निरीक्षण करें। अधिकारी अगर कहीं भी किसी नियम का उल्लंघन देखें तो उस पर 3 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें। उपराज्यपाल की इस चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि विभागों के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त सचिव, तमाम अधिकारी मौके पर जाकर नियमित निरीक्षण करें और वहां की स्थिति पर मुख्य सचिव, उपराज्यपाल और विभाग के मंत्री को रिपोर्ट दें। इस रिपोर्ट के साथ मौके की तस्वीर और बाद में वहां पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जो सुधार की तस्वीर है वो भी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि निरीक्षण के बाद क्या सुधार आया। उन्होंने विभागों के सचिव और प्रमुख सचिव को, हर पखवाड़े और विभागों के अध्यक्ष को हर सप्ताह निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने ये भी कहा है कि जिला अधिकारी, SDM और ADM सप्ताह में 2 बार दौरा करें। इस दौरान खास तौर पर सड़क, नाला, सीवर सिस्टम, शिक्षा और परिवहन जैसी सेवाओं की स्थिति देखी जानी चाहिए। तो मतलब साफ है कि मॉनसून में जो सिविक सेवाएं हैं वो ध्वस्त नजर आ रही हैं और उसके बाद वो उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को लेटर लिखा है और हर महीने की इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी मांगी है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मॉनसून सीजन में नागरिक सेवाओं और सार्वजनिक ढांचे में लगातार सामने आ रही खामियों पर नाराजगी जाहिर की और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखी है और 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।